भाई का कमिटमेंट, ईद पे एंटरटेनमेंट, फाइनली 2 साल का इंतजार आज खत्म हुआ गाइस। और फाइनली जो राधे की ट्रेलर, ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज डेट है वो सामने आ चुकी है। ट्रेलर कल रिलीज हो रही है, 100% कंफर्म्ड। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, नई पोस्टर तो मैं नहीं बोलूंगा, पुरानी पोस्टर है, बट नए रिलीज डेट के साथ आ चुकी है। नए रिलीज डेट भी नहीं बोलूंगा, पुरानी ही रिलीज डेट है, बट स्ट्रेटजी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है गाइज। आई नो काफ़ी मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं आप लोगों के, और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, बट इस पर मैं बात नहीं करूँगा। थिएटर्स बहुत ज़्यादा बंद हैं यहाँ वहाँ, इस पर बात नहीं करूँगा। सीधे सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। राधे विल रिलीज साइमल्टेनियसली बोथ ऑन थिएटर्स एज वेल एज ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स। यानी राधे जो है वो 13 मई को थिएटर्स में भी रिलीज होने वाली है अक्रॉस 40 कंट्रीज गाइज। 40 देशों में राधे जो है वो रिलीज होने वाली है। इंडिया के सारे स्टेट्स में रिलीज होगी, जहाँ जहाँ थिएटर्स खुले रहेंगे उस टाइम पे। आई होप उस समय तक सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। और थिएटर में रिलीज होने के साथ साथ जो फिल्म है वो OTT प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज होगी, यानी जी प्लेक्स पे रिलीज होगी। और ये पे पर व्यू होने वाली है, आपको पे करना पड़ेगा फिल्म को देखने के लिए, जैसे कि यूट्यूब और गूगल मूवीज़ में आप करते हो। और ये एक बहुत ही बड़ी डिसीजन है गाइज, और दिस इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द मेगा स्टार, दिस इज़ वाई ही इज़ द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल मैन इन बॉलीवुड। और यार ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल डिसीजन था। आई नो काफ़ी ज़्यादा मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं गाइज, और बहुत ज़्यादा फैंस खुश नहीं हैं, बट अब क्या ही कर सकते हैं। उन्होंने जब डिसीज़न ले लिया है ऐसा, तो वो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा डिसीज़न। आई नो वो 100 करोड़ वाली स्ट्रीक खतरे में है, वो सारी चीज़ें हैं, बट इस समय मैं ये इस चीज़ पे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। और अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्जॉय करने का समय है गाइस, क्योंकि पिछले 2 सालों का इंतज़ार आज ख़त्म हो चुका है। तो इन्जॉय करो गाइस। और ट्रेलर जो है वो कल रिलीज़ होने वाली है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। कल जो है वो ट्रेलर 100% रिलीज होने वाली है। एक्साइटेड रहो गाइज, छोड़ो अब, जाने दो, जो होना था वो हो गया। इससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि यार इस चीज़ को ना सलमान भाई की एक गिफ्ट मानो और इसको इन्जॉय करते हैं। नेगेटिविटी स्प्रेड मत करो, जाने दो जो हुआ, अच्छा फील करो, क्योंकि फाइनली इतने ज़्यादा दिनों का इंतज़ार खत्म होने वाला है कल। तो बताओ आप लोगों की एक्साइटमेंट किस लेवल पर है, कमेंट करके बताओ गाइज। तो चलो अभी तक के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।